Hi everyone, what is up and welcome. I am Sonal Yadav and in today's video I'm going to be taking you through my winter base makeup routine. So meri jo skin type hai wo hai kafi zyada oily and in winters I like to opt for glowy base makeup. But because I have a oily T-zone area, I used to doubt myself if I can actually wear the dewy makeup looks for a long period of time. So in today's video you're going to be finding a technique of how you can wear dewy मेकअप लुक्स. सो यू गाइज कैन सी कितना सुंदर सा बेस मेकअप हुआ है, एकदम ग्लोई हाइड्रेटिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है फॉर विंटर्स. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ. सो एज ऑलवेज आई एम गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विथ क्लीन फेस. मैं आपको जूम इन करके अपनी स्किन की एक रियलिटी दिखाऊंगी. सो दिस इज वॉट माई ट्रू ब्राउन स्किन लुक्स लाइक. आज व्हेन आई केम आउट ऑफ शावर आई वॉज जस्ट लुकिंग माई सेल्फ एट द मिरर एंड मैं देख सकती थी कि काफ़ी सारे ब्लेमिशेस मेरे यू नो विजिबल हैं. आई हैव दिस पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ गोइंग ऑन. थोड़े से एक्ने स्कार्स भी हैं मेरे पास. मैं सोती नहीं हूँ तो थोड़े डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं मुझे. एंड यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे टीनेज टाइम में काफ़ी बॉदर करता था. आई हैव अ डार्कर फोरहेड एंड मुझे बहुत ईजिली टैनिंग हो जाती है. एंड नाउ दैट आई हैव एक्सेप्टेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो अब बॉदर नहीं करते ये सारी. So when people come at me and say, you know, you wear makeup confidently, I think it's also about accepting yourself in your natural skin. So starting off with toner, मैं अपनी skin को damp करने के लिए ये sandalwood toner use कर रही हूँ, just herbs का. And इससे बहुत ज़्यादा refreshed feel होता है. So I'm gonna pat this into my skin. And जब आप moisturizer damp skin पे लगाओगे ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से soak in होता है. So 2 मिनट्स का गैप रखेंगे हम हर एक स्टेप में ताकि स्किन अब्जॉर्ब कर सके प्रोडक्ट को. नाउ मूविंग अहेड विद द इनिसफ्री ग्रीन टी सीड सीरम. आई एम गोना बी यूजिंग दिस सीरम. इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड इन इट एंड ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है बिकॉज ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा. दिस स्पेसिफिक सीरम ऑल्सो हैज़ मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट्स इन इट, इसलिए मैं एक अलग से मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू पैट दिस एंड वर्क दिस इन टू माई स्किन नाउ. अगर आपकी ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है सो डू गो अहेड विद अ मॉइस्चराइजर एज वेल. सी ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रही है. हम अगेन 2 मिनट्स ऑफ गैप देंगे ताकि प्रोडक्ट सोक इन हो जाए. एंड मीनवाइल हम लिप्स को प्रेप कर लेंगे. आई एम यूजिंग द प्लम कैंडी मेल्स लिप बाम नाउ. मूविंग अहेड विद दिस मैक स्ट्रोब क्रीम इन द शेड पीच लाइट. इसका मैं इतना क्वांटिटी लूंगी और मैं इसको वार्म अप करके सिर्फ हाइएस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूंगी अपने फेस के. अगेन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट फॉर गेटिंग दैट ग्लो. बहुत ही हाइड्रेटिंग है ये एंड विंटर्स के लिए अगेन परफेक्ट ग्लो देगा. So I'm gonna lightly work this product into my skin by dabbing it into my skin and you guys can see it looks so nice. It looks so, you know, it just made my skin so much more prepped for the base makeup. So now I'm using the Too Faced Born This Way foundation. मैं इसके 2 pumps लूंगी. एक साइड में आप देखोगे सिर्फ फाउंडेशन लिया है मैंने और एक साइड में स्ट्रोब क्रीम के साथ में मिक्स कर रही हूँ मैं. तो जो सिर्फ फाउंडेशन हमने लिया है वो हम अप्लाई करेंगे टी जोन एरिया पर क्योंकि वो ऑयली पोर्शन है मेरे फेस का. एंड बाकी जगह पर मैं ये स्ट्रोब क्रीम के साथ मिक्स किया हुआ वाला प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. सो बाई डूइंग दिस यू विल स्टिल हैव दैट ग्लोइनेस ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस एंड आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड अप होंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जस्ट द मैट फाउंडेशन. सो मैं स्प्रेड कर लूंगी फाउंडेशन को अपने फिंगर्स से ही. मैंने ये रील्स पर देखा था कि यू नो फिंगर्स से अप्लाई करने से बड़ा ही नेचुरल सा लुक आता है. अगेन जस्ट टू लेट यू गाइज नो दैट मैंने सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई किया है विदाउट द स्ट्रोब क्रीम ऑन माई नोज एंड अक्रॉस माई माउथ बिकॉज आई नो वहाँ पर यू नो मेरा बेस मेकअप मूव होता है एंड इट टेंस टू प्रोड्यूस मोर सीबम ओवर देयर. एंड बाकी जगह पर मैंने स्ट्रोब क्रीम के साथ में मिक्स कर अप्लाई किया है प्रोडक्ट को. नाउ आई नो दिस फाउंडेशन इज नॉट अ ग्रेट मैच फॉर मी. इट्स अ लिटिल बिट डार्कर एंड ये वॉर्म भी है मेरी स्किन के लिए बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई प्रोमिस ये मैच करेगा. अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ डैप कर लूंगी जस्ट टू ब्लेंड इट इवनली ताकि कोई भी मार्क्स ना हो, ताकि सब कुछ इवनली ब्लेंडेड लगे और एक्सेस प्रोडक्ट भी जो है वो स्पॉन्ज हमारा सोक इन कर लेगा. सो यू विल हैव अ रियली नाइस एप्लीकेशन दिस वे.
Moving ahead, I'm using the Too Faced Born This Way concealer. I'm gonna be using this lightening shade of concealer. थोड़ा सा ये मेरे you know skin tone से light है, तो मैं इसको सिर्फ center portion में use कर रही हूँ, अपने under eyes के नीचे use करूँगी. And this will create a nice spotlight effect in the center portion of the face. इसको अच्छी तरीके से blend करने के लिए मैं अपने sponge का ही use करूँगी. And you guys, I have been loving this concealer so much lately. Now to get that glow back, I am gonna be using the Insight Cosmetics highlighter, and this product is so affordable और ये इतना सुंदर दिखता है. You guys need to try it out. तो ये मैं इसको अपने face के high points पर apply कर लूँगी और इसको fingers से ही मैं blend कर रही हूँ. Obviously हम final touch देंगे एक बार sponge से, but you guys can see कितना blinding सुंदर सा glow देता है ये face पे. And I love this cream highlighter so much. I guess this is the most affordable product in my whole vanity. I feel it's for some 110 rupees and it is so beautiful. अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का ब्लश एंड दिस इज इन द शेड लव. आई एम गोना टेक दिस क्रीम ब्लश ऑन द बैक ऑफ माई हैंड एंड मैं अपने ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फाउंडेशन ब्रश, क्योंकि फाउंडेशन ब्रश में ना थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है अपने फाउंडेशन का, और इस वजह से ना बहुत अच्छा सा ब्लश ब्लेंड होता है. सो यू विल गेट अ रियली नाइस ब्लेंड दैट वेज. और एक बार फिनिशिंग टच तो हम देंगे ही विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर. सो नाउ दैट वी हैव यूज्ड ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स, इट्स टाइम टू सेट द face a little bit. I'm using the Maybelline Fit Me Loose Powder along with this packed sponge, and I'm gonna take some product. Yeah, आप देख सकते हो equally distribute नहीं हुआ है, तो I'm gonna dust it on the back of my hand और मैं अपनी creases को पहले blend in करूँगी before setting the face, and then I'm gonna set my face with the help of the puff. And this puff is something which I really really like. इससे बहुत ही सुंदर airbrushed effect आता है, and I love what it does to you know your face. सो क्योंकि हम एक ग्लोई बेस करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ उन एरियाज़ को यू नो सेट करूँगी जहाँ पर क्रीजिंग होगी, जैसे कि अंडर आइज़ के नीचे, फोरहेड पे बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट जो भी लेफ्ट ओवर है वो मैंने अप्लाई किया है. साइड्स ऑफ द नोज इज समथिंग विच गेट्स रियली शाइनी विद टाइम, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई कर लिया है. टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एरिया, स्माइल लाइन्स के पास, ये सारी जगह पर यू नो क्रीजिंग होती है. सो आई एम गोना सेट ऑल ऑफ दीज एरियाज विद द पाउडर एंड बाकी जगह हम ग्लोई रहन देंगे. तो अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ओवरऑल ब्लेंड कर लूंगी प्रोडक्ट को, ताकि पैची ना लगे कुछ भी, एंड इट लुक्स नाइसली ब्लेंडेड एंड डिफ्यूज्ड. Moving ahead, I'm using my favorite contour palette from Sugar Cosmetics and it is in the variant Fierce Feet. मैं इसकी मदद से हल्की सी कॉन्ट्रिंग करूंगी. सो आज के लुक के हिसाब से मैं बहुत ही लाइट कॉन्ट्रिंग करने वाली हूँ. आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ इट ऑन द फोरहेड एरिया, ऑन द साइड्स ऑफ माई फेस, एंड इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा फेस में. बिकॉज इट्स अ पाउडर प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा सेट भी हो रहा है हमारा फेस. नाउ आई एम मूविंग अहेड विथ सम कॉन्टोर ऑन माई जॉ लाइन एरिया एज वेल, जस्ट टू एड सम कलर एंड सम डेफिनेशन इन द जॉ लाइन एरिया. अब मैं इसी ब्रश को पिंच करके नोज पर भी यू नो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट को अप्लाई कर लूँगी. इससे एक शेडो क्रिएट हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा हमारे नोज पर. नाउ आई एम यूजिंग द ब्लशर फ्रॉम द सेम पैलेट एंड इसको मैं बहुत ही लाइट हैंडेडली कोरल ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. अप्लाइंग ब्लशर इज लाइक अ फेवरेट पार्ट ऑफ माई मेकअप रूटीन, बिकॉज इससे मुझे बहुत ऐसे पुट टुगेदर सा फील होता है. आई फील रेडी फॉर द डे एंड आई फील फ्रेश एंड नाइस. एंड आई एम नाउ यूजिंग द हाईलाइटर फ्रॉम द सेम पैलेट. यू गाइस कैन सी इट्स अ ब्लाइंडिंग ब्यूटिफुल हाईलाइटर. मैंने सेम प्रोडक्ट को पिकअप किया है ऑन अ फ्लैट ब्रश और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन एरिया पर. Also some of it on the bridge of my nose, and ये सारी चीज़ें you know छोटी छोटी details से बहुत overall effect आता है आपके base makeup में. You guys can see कितना सुंदर सा glowy सा makeup हुआ है. So yeah, that's all about the base. Now moving ahead towards the eyes, I'm using the Beauty Base Brights Matte Palette. एंड इसमें से ये दो शेड्स मैंने यूज़ किया है. सो फर्स्ट वन आई एम गोना बी अप्लाइंग इट ऑल अक्रॉस माई क्रीज एरिया. इससे एक अच्छा सा यू नो मैं शेडो क्रिएट कर लूँगी. शुरुआत में मैंने ना के बराबर प्रोडक्ट यू नो पिकअप किया है एंड स्लोली मैं उसको बिल्डअप करके फ्लफी ब्रश से यू नो ब्लेंड कर लूँगी. सो आफ्टर ब्लेंडिंग इट ऑल अप, नाउ आई एम गोना पिक अप द सेकेंड शेड विच इज़ अ डीपर ब्राउन शेड, एंड इससे मैं अपनी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहती हूँ. सो बेसिकली आई एम गोना मेक श्योर कि मैं ब्लेंडिंग मोशंस में इसको अप्लाई करूँ. तो आईज के साइड्स में भी मैंने ये शेड अप्लाई कर लिया है जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ. नाउ आई एम यूजिंग द मैक फ्लूइड ब्राउ जेल क्रीम एंड आई एम गोना बी यूजिंग दिस एज एन आई लाइनर. आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम पैक एक्स जोविटा किट. इट्स एन एंगल्ड ब्रश और इससे मैं एक
शार्प और डिफाइंड विंग लाइनर क्रिएट कर लूँगी, जिसको हम बाद में स्मज आउट करने वाले हैं। बेसिकली एक स्मजी सा विंग लाइनर क्रिएट करेंगे हम। सो एज़ यूजुअल विंग को हम बनाकर इसको कनेक्ट कर देंगे अपने आई लाइनर से। एंड नाउ यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ स्मजर ब्रश, आई एम गोना टेक लिटिल बिट ऑफ आई शेडो, ब्राउन आई शेडो, एंड ब्लेंड दिस ऑल इन जस्ट टू गेट दैट स्मजी विंग्ड आई लाइनर इफेक्ट। So now I'm using this mascara from Tarte and I'm gonna coat my lashes a little bit with this mascara. I'm gonna be using false lashes, but जब आप mascara लगाकर फिर false lashes लगाते हो तो you know आपकी natural lashes बहुत अच्छे तरीके से blend हो जाते हैं false lashes के साथ में। So yeah, this is how it looks like and now I'm gonna be applying the Kohl pencil to my waterline। मैंने यहाँ पर ये Just Herbs का Nenem Kohl pencil use किया है और मैं इसको smudge कर लूँगी with the help of a brown eyeshadow shade and इससे एक बहुत अच्छा सा स्मजी स्मोकी इफेक्ट आता है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लिपस्टिक, आई एम यूजिंग द कीरो ब्यूटी लिपस्टिक इन द शेड सिनेमन न्यूड, बट बिफोर दैट आई एम गोना बी यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम वेट इन वाइल, दिस इज इन द शेड चेस्टनट और ये बहुत ही अच्छा लिप लाइनर है, बहुत ही अच्छा कलर है एक्चुअली। दिस इज समथिंग विच सूट्स मोस्ट ऑफ द यू नो लिपस्टिक्स, सो आई रियली लाइक इट। तो मैं इससे अपने लिप्स को अंडरलाइन कर लूँगी, मैं सिर्फ टॉप का पोर्शन जो है क्यूपिड्स वो एरिया है जस्ट उसको ही यू नो ओवरलाइन करने वाली हूँ। अदर देन दैट आई एम जस्ट गोना अंडरलाइन एवरीथिंग एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई माय लिपस्टिक। यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हाथ से। मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से कलर यू नो लिप लाइनर और लिपस्टिक मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, एज इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक। तो देख सकते हो आप, ये बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्मूला है। यू गाइस नीड टू ट्राई दिस वन आउट, इट्स रियली रियली नाइस ऑन द लिप्स एंड दिस इज व्हाट माय मेकअप यू नो looks like right now. I really love the base and now to lock this base for the day I'm gonna be using the MAC Fix Plus. This is my favorite product. मैं इसको spritz कर लूँगी all across my face and अब हमारा base makeup जो है वो lock हो गया है, it's not gonna move around and you can see कि you know इस setting spray की वजह से थोड़ा सा glowiness वापस आ गया है, सारे powders अच्छी तरीके से melt हो गए हैं skin में and it's looking mixed all together and one and I really love the base makeup. If you happen to recreate this one, please make sure to tag me on my Instagram. I would love to, you know, see what you have recreated. And yeah guys, with that we come towards the end of today's video. I hope you guys found this one helpful enough. If you do, please make sure to subscribe to my channel, share this video with your other makeup lover friends and I'll be meeting you in my next one. Until then, please take care.